please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रियान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम का स्कूल, जहां पर कल एक 7 साल के बच्चे को उसके स्कूल के अंदर चाकू से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हम लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो रियान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ जो है यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, उनसे सवाल करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शनिवार का आज दिन है, स्कूल बंद है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ रोड जाम करने के लिए तमाम पेरेंट्स यहाँ पर खड़े थे, लेकिन पुलिस की तरफ से भारी बल यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इन सब लोगों को यहीं पर रोक के रखा हुआ है। उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं आरोपी अशोक कुमार की बाइट, जिसने अपना गुनाह खुद कैमरे में कबूला है। क्या किया तुमने? मारा? हाँ जी। हाँ जी। क्यों? बस बुद्धि खराब हो गई थी, कुछ होश ही ना रहा। कैसे मारा? चाकू से। चाकू साथ में लेके घूमते थे ना जी? वो पहले से बस मतलब साफ करने के लिए आया था बाथरूम में। अच्छा, किस लिए बच्चे को मारा? क्यों मारा था? मैं भीतर बढ़ रहा था उसमें। अच्छा। लेटरिंग में अचानक वो वहाँ पे आ गया, मैं गलत काम कर रहा था। अफसोस है बहुत ज्यादा जी। रियान इंटरनेशनल स्कूल में जिस 7 साल के बच्चे की हत्या आरोपी अशोक कुमार ने की थी, आज उसे जिला अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जो अभिभावक हैं वो लगातार मांग करें कि जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको उनकी गिरफ्तारी से ही महज जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल बनते हैं कि आखिर कंडक्टर स्कूल के अंदर पहुंचा कैसे, क्यों सीसीटीवी खराब थे और चाकू लेकर वो कैसे स्कूल के अंदर घुस गया। और ये तमाम सवाल न्यूज 18 इंडिया बार बार पूछ रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब पेरेंट्स को स्कूल में जाने की आजादी नहीं होती तो कैसे कंडक्टर स्कूल के अंदर पहुंच गया। हम आपको हमारे पीछे के हालात इस वक्त दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो लगातार लोगों से संयम बनाए रखने के लिए और कानून जो है उसको हाथ में ला लेने की जो है अपील कर रही है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है और पेरेंट्स जो है वो लगातार गुस्से में है। ना ही सिर्फ रियान इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पर जो है वो है, बल्कि आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिसने भी ये खबर सुनी वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए। हमारे साथ महिला मौजूद है। आपका बच्चा क्या रियान इंटरनेशनल में पढ़ता है? दो बच्चे पढ़ते हैं रियान इंटरनेशनल स्कूल में, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंडे को हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे। वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस स्कूल में और भी बस कंडक्टर है, और भी ड्राइवर्स है, और भी मेल स्टाफ है, मेरी बेटी भी है इस स्कूल में, तो हम उनकी सेफ्टी क्या सोचेंगे, मतलब क्या सोच के। मुझे एक बात सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप स्कूल के अंदर एंटर कर सकते हैं? कोई सिक्योरिटी है? स्कूल के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारा कोई आई कार्ड नहीं है, कोई हमसे कुछ नहीं पूछता। मैं अपने बच्चे को छोड़ने आती हूँ, छोटे बच्चे को, तो मुझे डायरेक्ट स्कूल के अंदर जाने दिया जाता है, और उसके बाद उस बच्चे को कोई भी लेने आए तो भी कोई सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती, कोई भी नहीं, बस एक आइडेंटिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे जो है लोग नाराज, और आप हमारे साथ देख सकते हैं इस तरफ आपको दिखाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एमएलए पहुंच चुके हैं। लोगों की बार बार यही मांग थी कि यहाँ पर ना कोई एमएलए, ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद पहुंचे, लेकिन अब एक एमएलए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके बाद लगातार लोग जो है वो उनके साथ साथ रियान इंटरनेशनल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि हालात को सामान्य बनाया जा सके। अभिभावक जो है, जो प्रद्युमन के पिता थे, वो सुबह से ही कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्यों सिर्फ दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो है स्कूल प्रशासन को इसमें क्यों जो है उसको ऐड नहीं किया गया, क्यों उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। ये यहाँ पर जो मौजूद पेरेंट्स हैं वो भी सवाल करें। एक और हमारे साथ मौजूद है जो कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, बताते आगे तक एक्शन करो, मंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं एक्शन ले रहा, क्यों नहीं ले एक्शन ले रहा? आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के हालात? कहने चाह रहा हूँ 24 घंटा हो गया,
ठीक है ना, कोई एमएलए एमपी नहीं आया, अभी अभी दो मिनट हुआ हमारा विधायक तेजपाल ताबोर जी यहाँ आया है, प्रशासन को पता नहीं, यहाँ आया है, हमें न्याय विचार चाहिए, स्कूल को एक्शन होना चाहिए। इसको आपको लगता है कि दो लोगों की गिरफ्तारी से स्कूल का कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ? और मेरा आपको भी लगता है कि सिर्फ दो लोगों की गिरफ्तारी से ये मामले की जिम्मेदारी खत्म? वहाँ पे जो बच्चे उनके साथ पढ़ते थे वो बच्चे को बुलाया, बोला कि बोतल में खून लगा हुआ है, जब बोतल धो के लाओ, पेपर फाड़ के लाओ, इसको साफ कर दो। और बच्चे का टॉयलेट, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है और उस टाइम उसकी मेंटल हालत बहुत खराब है मैम। ये सारे बच्चों का केस है, ये स्कूल की सुरक्षा, स्कूल की तरफ से सुरक्षा का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, बहुत बुरी हालत है इसमें बच्चों की मेंटली। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स लगातार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि स्कूल के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि बच्चा जो है माँ बाप स्कूल में भेजते हैं इस उम्मीद से कि स्कूल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। ऐसे में बस का कंडक्टर स्कूल के अंदर पहुंचा, टॉयलेट में मौजूद था, चाकू साफ करने वो पहुंचा था, ऐसा वो क्लेम कर रहा है और बोल रहा है कि वो वहां पर मौजूद था, बच्चा वहां आया, उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। क्लास टीचर कहाँ मौजूद थी, प्रिंसिपल कहाँ मौजूद थी? कल पूरे प्रकरण में प्रिंसिपल मौजूद नहीं थी, प्रिंसिपल ने बात नहीं की है। हालांकि स्कूल ने अपनी पूरी जिम्मेदारी मानी है, उन्होंने जो अपना नोटिस जारी किया उसमें बोला है कि स्कूल जो है वो मान रहा है कि इस तरह का जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। पेरेंट्स और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बच्चे के रियान में? मेरा बेटा रियान स्कूल में पढ़ता है। मेरा एक सभी पेरेंट्स से, भारत सरकार से और जो भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल चला रहे हैं, उन सबसे एक क्वेश्चन है, जब आप हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं, बताते हैं कि बच्चा स्टडी में इतने इतने मार्क्स लाता है इस सब्जेक्ट में, ये क्या स्कूल का कोई सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं है? क्या स्कूल अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं बिल्कुल कर सकता? अब आपको दिखाते हैं कि बच्चे की माँ का इस पूरे मामले में क्या कहना है। जो बच्चों का केयर नहीं कर सकता, बिजनेस यहाँ खोल के रखा है, वहाँ कोई नहीं भेजेगा बच्चा अपना, कोई भी नहीं भेजेगा। उन्होंने बस एक बिजनेस चला रखा है पैसा कमाने के लिए। आपके पास क्यों नहीं है? आपका बच्चा आपका जा रहा है, आप बच्चे को क्लास तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसका है? स्कूल गेट से क्लास तक बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर बच्चा जा भी रहा है तो क्या वहाँ कोई टीचर अराउंड में नहीं थी? असेंबली हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहाँ थी सारी टीचर? टीचरों को अपना मेकअप करके अपना बैठने से ही फुर्सत नहीं है, बातें बनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेंगी? कभी नहीं, मेरा बच्चा तो जानता भी नहीं था उसको, ना मेरा बच्चा कोई बस में जाता था। बच्चे को हम खुद छोड़ के आते थे, हम दूसरे को कैसे हम बोले? मेरा बच्चा खुद ही हम खुद छोड़ के आते थे, या उसके पापा जाते थे या मैं जाती थी उसको छोड़ने, लाने मैं जाती थी। ना मेरा बच्चा वैसा था कि मेरा बच्चा किसी के साथ कुछ बोलता है कुछ, वो मैं जाती थी वो गेट से इस क्लास की टीचर के साथ बाहर निकलता था और मैं उसको पिक करती थी, तो मैं कैसे बोलूं कि उसके साथ वो कभी बात करता था नहीं करता था? कभी ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने क्यों ऐसा किया? और चप्पल जूतों से मारो उसको, ताकि उसको भी पता चले, उसका भी मेरा बस चले तो मैं उसका भी पूरा परिवार को नाश करके रख दूं। और भी पेरेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्या सिर्फ एक कंडक्टर को पकड़ लेने से जिम्मेदारी पूरी होती है? इसके स्कूल के 108 स्कूल हैं, हाँ। रियान पब्लिक स्कूल के नाम से। इसका मालिक इतना धनाढ्य है कि उसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ। लड़के का जो भी हुआ है, जो जिसको फंसाया जा रहा है, वो पैसे देकर उस पर हाँ भरवाई गई है। 99% हमारा शक कहता है, 100%। आपको फिर क्या शक है कि कंडक्टर को क्यों फंसाया गया? ये हम नहीं कह सकते कि कुछ बचाने के लिए, क्योंकि जब लड़के के साथ गलत काम होता है बाथरूम में, हाँ। और उसके साथ के साथ ही, हाँ। चाकू कहाँ से आता है? हैंड टू हैंड, हाँ। जादू मंत्र से बनाया क्या उसने चाकू? हाँ। चाकू कहाँ से आया? हाँ। ये सारे सवाल केवल एक चाकू उठाता है। बिल्कुल, चाकू कहाँ से आया, चाकू लेकर वो स्कूल के बाथरूम में कैसे पहुंचा, ये पूरी जानकारी और लेने के लिए ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल देखिए, ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। पुलिस का आधिकारिक कोई बयान इस पर नहीं है कि आखिरकार वो चाकू स्कूल के अंदर कंडक्टर कब लेके जाता था या फिर पहले भी उसके पास वो चाकू रहा करता था। इस बीच जो कमिश्नर का दफ्तर है, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ भी जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठे हैं, वो अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन एहतियातन यहाँ भी पुलिस के इंतजाम किए गए हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो आगे न बढ़ पाएँ। हालाँकि जो प्रद्युम्न हैं उनके पिता इस वक्त कमिश्नर दफ्तर में मौजूद हैं, अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। परिवार की ये शिकायत है, जो पेरेंट्स हैं उनकी भी यही शिकायत है कि आखिरकार स्कूल को इसमें जिम्मेदार अब तक क्यों नहीं बनाया गया। पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोग से बात करने चाहेंगे, जो भी अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस कह रही है कि कंडक्टर इसमें इन्वॉल्व है, अरेस्ट कर लिया, यहाँ इकट्ठे हैं, आगे आपकी कोई बातचीत हुई है अभी? नहीं जी, अभी हमारे पदाधिकारी गए हुए हैं अंदर, तो बातचीत करके भी आते जब बताएंगे जी। वो स्कूल इसमें ये कह रहा है कि उन्होंने एक्शन लिया, वो अपनी गलती मान रहे हैं, क्या इतना कह देना ही काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट इज डेफिनेटली अकाउंटेबल फॉर दिस, एंड जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, स्कूल मैनेजमेंट डेफिनेटली अभी भी क्लीन चिट लेके साइड से निकल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। खाली एक बंदे को अरेस्ट करके ये स्टोरी बना देना, ये डाइजेस्ट होने से बाहर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, फीस को लेकर जब बात होती है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, इस मामले में कितना इरिस्पॉन्सिबल स्कूल आपको लगता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहीं से ख़त्म हो जाती है जब एक छोटा बच्चा 10 मिनट के अंदर मतलब गाड़ी से उतरने तक, क्लासरूम जाने तक मर जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची कहाँ? मतलब उसके नाम पर तो ज़ीरो हो गया एकदम स्कूल। एक बड़ा स्कूल है, कई ब्रांचेस हैं इसकी, यही सोच के आप लोगों ने भी दाखिला दिलाया होगा बच्चे को इसमें, स्कूल का कंडक्टर, बस का कंडक्टर चाकू लेके स्कूल के अंदर घूमता है। ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है ना, स्कूल की मैनेजमेंट की नाकामी है कि वो इस तरह का काम, जो कंडक्टर वगैरह रखे हुए हैं उनको नहीं देखता है, वो चाकू लेके प्रेमिसेस के अंदर आ जाते हैं, तो ये नाकामी है मैनेजमेंट की पूरी तरह। ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है ना, स्कूल की मैनेजमेंट की नाकामी है कि वो इस तरह का काम, जो कंडक्टर वगैरह रखे हुए हैं उनको नहीं देखता है, वो चाकू लेके प्रेमिसेस के अंदर आ जाते हैं, तो ये नाकामी है मैनेजमेंट की पूरी तरह से। क्या चाहते हैं अब आप इस पे? आप मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ व्यू देने पड़ेंगे अपने, और हमें CBI जाँच चाहिए इस बच्चे के ऊपर। CBI जाँच यहाँ पे मांग की जा रही है। सर, आप ये बताइए, आपका ही बच्चा स्कूल में पढ़ता है? हाँ, हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। इस घटना के बाद क्या बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? इस घटना के बाद जितने बच्चे हैं वो माँ बाप की तरफ से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस स्कूल में, किसी स्कूल में भी ऐसी अगर घटनाएं घटती हैं तो हम लोग कैसे जाएं? उनका तो मनोबल बिल्कुल डाउन हो चुका है, क्योंकि उनको ये पता लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई किसी टाइप का प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहा है, या तो पुलिस कॉलेज के एडमिशन सेटिंग है या उनकी सहयोग में जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ है कि जो यहाँ का प्रशासन है। तो बच्चे आजकल एक साल बेसा खराब हो जाए, लेकिन सारे बच्चों को बाहर निकालेंगे, एक साल खराब होगी लेकिन लाइफ तो खराब नहीं होगी उनकी। हम सब लोग चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल से बच्चे निकालें। पेरेंट्स से साफ कहना है कि जब तक सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है दोबारा से उस स्कूल में जा पाना मुश्किल होगा, और साथ ही सिर्फ यही स्कूल नहीं बाकी के भी जो स्कूल है वहाँ भी इसी तरह की कुछ सुरक्षा की गारंटी जब परिवार को मिलेगी तभी इनके बच्चे अब आगे स्कूल में जाएंगे। बिल्कुल, सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं मिलती तब तक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना मुश्किल होगा। यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है, ना ही सिर्फ रियान इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं बल्कि और भी स्कूलों के अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा कंसर्न है। और पूरा मामला अगर आप देखें तो जिस तरह से कल प्रद्युम्न के पिता ने बताया कि 7:50-55 पर वो अपने बच्चे को स्कूल पर छोड़ के गए और 8:10 पे उनके पास जो है कॉल आता है कि आपका, आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए, आपका बच्चा जो है उसको बीमार है, उसको चोट लगी है। तो ये जितने कम समय में ये पूरा हुआ है, मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में ये पूरा वाकया हुआ है, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर कैसे। और इस बीच जवाहर यादव प्रवक्ता BJP हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जवाहर जी, आखिर क्या एक्शन ले रही है खट्टर सरकार, इस पूरे मामले पे क्या एक्शन ले रही है? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जवाहर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको जवाहर
मुझे तो आपकी आवाज आ रही है भाई, बोलो। हेलो हेलो जी 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 बोलिए जी। जैसे ही इस घटना की जानकारी आई, तुरंत पुलिस ने तत्परता से काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी भी परिसर में जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए वो उनके जीवन को समाप्त कर गया। तो इसके इसमें जो पुलिस एक्शन ले सकती है वो तुरंत हम ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस पे नजर रखे हुए हैं, मेरी भी वहाँ के DCP जो अशोक बख्शी है उनसे लगातार बातचीत चल रही है। पेरेंट्स का एक डेलीगेशन आज कमिश्नर से मिलने वाला है। इसके अलावा 3 लोगों की एक कमेटी है जो ये मूल्यांकन करेगी कि जो स्कूल ने कहीं अनियमितताएं तो नहीं बरती, अगर कोई स्कूल की अनियमितताएं निकलेगी तो सख्त से सख्त स्कूल के खिलाफ जो कानून के अनुसार जो एक्शन लिया जा सकता है वो सब एक्शन लेंगे। ऐसे ही राज्य बाल अधिकार आयोग हरियाणा का वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं। हम इस पर देखिए, इस बच्चे की आत्मा की शांति और पेरेंट्स का जो एक भय पेरेंट्स में चला गया कि मेरा बच्चा स्कूल कैंपस में सुरक्षित है या नहीं है, आज वहाँ के बच्चे जो मनोवैज्ञानिक आधार पर इस समय अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि वो सोमवार को अगर स्कूल में आएंगे तो शौचालय में जाते हुए भी अपने आप को भयभीत महसूस करेंगे, तो उसमें जो उनको मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक आधार पर जो सहायता कराने की आवश्यकता है वो हम कराएंगे। और जो लीगल कानून काम कर सकता है, जो सजा सबसे सब दे सकती है, जो भी इसमें दोषी हो, सारे तथ्य जुटाएंगे जिससे अपराधी किसी भी कीमत पर बचे नहीं। और स्कूल की भी अगर कोई कमी निकलती है तो स्कूल के भी सख्त से सख्त एक्शन स्कूल पे लेंगे। स्कूल की तरफ से कमी निकलती है तो एक्शन लेंगे। जवाहर यादव यहाँ पर दावा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जवाहर जी। यहाँ पर खट्टर सरकार की तरफ से जो है वो ये बोला गया है कि दावा जो जरूर सरकार कर रही है कि स्कूल की जांच जरूर होगी और जो भी कमी निकलेगी उस पर जो है जरूरी एक्शन लिया जाएगा। खबर पर नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।